कैसे गौरा नाम बोलते हैं उसको, गौरा नाम का। ये स्लोप रहता है, थोड़ा क्लोजअप लेना जो ये स्लोप रहता है और इसमें थोड़ा टेढ़ा रह के ये नकीला रहता है, वो वैसा नकीला रहता है। ये क्या रहता है, देवगढ़ जो है ना वो कातल जमीन रहती है, उसके ऊपर रहता है वो, उसके ऊपर हाँ, और वो समुंदर के नजदीक रहता है वो लंगड़ा। लंगड़ा आम जो कच्चा हुए ऑर्गेनिक बेस्ड लोगों को देना चाहते हैं। अच्छा, पका के भी ला सकते थे लेकिन नहीं दिया। अच्छा, तो दिन में पक जाएगा लंगड़ा आम भाई। केसर मैंगो इसको अगर जमीन में लगाएंगे हाँ, डेवलप रूटीन डेवलप जल्दी होंगी। अच्छा। और इसको डेढ़ से दो साल में आम आएंगे। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई नागपुर में आंबा मिलेट वो धान्या का महोत्सव है अभी चल रहा, तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि भाई मैंगो जो आम होता है जो सबसे बेस्ट फ्रूट माना जाता है उसमें क्या क्या वैरायटीज यहाँ पे आई हुई है, कमाल की वैरायटीज आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले आप देख सकते हो आदिवासी लक्ष्मी महिला समूह एटापल्ली जिला गढ़चिरौली, गढ़चिरौली की दोस्तों यहाँ पर शायद वैरायटी है, अभी जानेंगे हम कैसे। हेलो मैम, मैम हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, बताइए थोड़ा सा किस तरीके से कौन सी वैरायटी है आपने? सर ये एक्चुअली लोकल वैरायटी है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट की। अच्छा। इसको गावरा जो गावठी माँ अपना मैंगो अच्छा रहता है सेम है इसका। अच्छा। सर ये लोकल वैरायटी हमारे गांव का है, ये हमारे गांव का है जो इसकी वैरायटी हम मतलब ये नहीं कर सकते, पहले के लोग लगाए हैं तो वैरायटी भी हम ये बता नहीं सकते ये कौन सी वैरायटी, लेकिन ये हमारा एक ऑर्गेनिक और नेचुरल पकाया हुआ एक आम। ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से पकाया हुआ मतलब ये घास फूस में नहीं पकाया जाता? नहीं नहीं नहीं, ये हमारे नेचुरल तरीके से, ये हमारा जैसे राइस का जो ये रहता है बचा हुआ मतलब क्या बोलते घास उससे पकाया हुआ। और है कौन सा मैंगो बोलते हैं इसको? इसको मैम एक मतलब इसको एक लोकल वैरायटी का ही बोलते हैं, गढ़चिरौली का एक लोकल मैंगो है। गौरा नाम गढ़चिरौली का। कैसे क्या किलो होता है ये वैसे? सर ये 200 रुपए किलो है और एकदम मीठा होता है। 200 रुपए किलो का दोस्तों ये आम है और गढ़चिरौली का ये फ्लेवर आने वाला है। वाओ, तो फ्लेवर इसका दोस्तों सच में बहुत ज्यादा मीठा है, देखते हैं काफी ज्यादा और भी चीजें इनके पास। ये बाकी चीजें क्या है? सर हमारे पास अचार है, टमाटर का है, मैंगो है और महुआ से बना हुआ सर हमारे पास जैम है और हमारे पास लड्डू पेड़ा सभी ये महुआ से बने हुए हैं और हमारे पास ये जो है ये महुआ सॉरी ये है महुआ फ्लावर है, आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट करके कौन सा फ्लावर बोलते हैं इसको? महुआ फ्लावर। मधु का इंडिका इसका फैमिली है, मधु का महुआ फ्लावर है सर, ये जंगल में हमारे मतलब पाया जाता है इसका सर कोई इसका मतलब ये नेचुरली जो पेड़ है इसका कुछ इसका खेती वगैरह नहीं होती? नहीं सर इसकी फार्मिंग नहीं होती। पर टेस्टी बहुत है गाइस ये, सर मैं एक टेस्ट करके देख लूं। हम जैसे ग्रेप्स का वगैरह मनुका जैसे खाते हैं ना वैसे खाना चाहिए, क्योंकि जैसे देखो सर आजकल क्या है ग्रेप्स एक खेती कर रहे हैं उसका मनुका ज्यादा मतलब औषधि ये वो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे एक जंगल का एक नैसर्गिक मतलब हमारा एक रान मेवा है, जंगल का रान मेवा है, इससे सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है इसमें ओमेगा 3 जैसे, अब उसको हम ग्रीन टी करके भी पी सकते हैं, ग्रीन टी करके भी पी सकते हैं। किसी को लेना है अगर तो आप उसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा कार्ड है सर ये मानेवाड़ा बेसा रोड में हमारा ऑफिस है, आपको ऑनलाइन भी ये मिल सकते ले सकते हैं ना? हाँ ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। मोवा का जाम है इससे हम मोवा फ्लावर का जाम है सर, मोवा फ्लावर का जाम हम मोहा से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना, मोहा का जाम है, मोहा का पेड़ा है, मोहा का लड्डू है सर, मोहा का हम अभी एक हमारा रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर स्टडी चल रही है, मोहा का च्यवनप्राश, मोहा की कॉफी, मोहा गीले मोहा का हम जूस भी ऐसे बनाते हैं और ऐसे हम आगे ऐसे और मोहा की कुकीज वगैरह ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स तैयार क्योंकि कल ही हमारे सब कुछ जो थे खत्म हो चुके हैं। वहाँ के काफी सारा प्रोडक्ट्स है आपके पास? हाँ सर, ये महुआ से बना हुआ पेड़ा है, इसका एक बॉक्स है। काफी कमाल कमाल की चीजें है और वो सारी की सारी मतलब बहुत टेस्टी है। पेड़ा है
महुआ का पेड़ा है, हाँ सर, देख सकते हो ये लिक्विड पेड़ा है। तो इस तरीके से ये सारा आइटम आपके पास मिल जाता है ना। सर गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट एटापल्ली तालुका में जीवनगढ़ एक छोटा सा गाँव है, वहाँ मैन्युफैक्चर होता है। आदिवासी लक्ष्मी महिला बचत गट ये MSRL उम्मीद की तरफ से ये महिलाएं बनाती है, हाँ महिलाएं बनाते हैं महिलाओं के एक गांव के, जैसे हमारे महुआ हमारे एरिया में सबसे ज्यादा पाए जाते, एक उनका एक रोजगार मिल रहा है जो हमारे एरिया में मिल। लोग तो क्या बोलते हैं महुआ से सिर्फ दारू ही बनती है ऐसे बरे, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये लोग, हाँ ये महुआ से दारू नहीं बल्कि हम इतने सारे हेल्थ के लिए चीजें बनाकर भी ये कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको अगर ज्यादा खा लिए तो किसी तरीके नहीं, नहीं सर, कोई भी चीज का एक लिमिट होता है, कोई भी चीज नशा सर फर्मेंटेड होने के बाद ही वो नशा चीज तैयार होती है, जैसे ऑरेंज से बनती है, ग्रेप से बनता है, ऐसे कई चीजों से मतलब वाइन बन सकती है, लेकिन एक फर्मेंटेड होने के बाद ही। लेकिन कोई भी चीज का एक लिमिट होता है सर, वो लिमिट के अगर खाए हम तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब तक के भाई महुआ का हमने सुना था सिर्फ दारू बनती है, उसके अलावा भी देख सकते हो कितनी सारी चीजें जो बनती है। आइए अभी बताते हैं आपको मैंगो के कुछ और बेहतरीन प्रोडक्ट्स। रत्नागिरी आपको से सर, रत्नागिरी आपको से ना, अच्छा ये पूरा एक ही माल है, शेतकरी है, कुछ शेतकरी है वो, और कुछ शेतकरी का बगीचे का माल है। अच्छा हाँ, पूरा रत्नागिरी आपको से है, रत्नागिरी से, रत्नागिरी से दापोली तालुका है, उसमें जो केलसी गाँव है उसमें से हम आए और उधर नागपुर में आए हैं। तो एकदम ओरिजिनल हापुस जो बोलते हैं वो ओरिजिनल हापुस है, है ना, ओरिजिनल हापुस है, बिल्कुल ये देख सकते हो। तो ये तीनों रत्नागिरी का है, ये तीनों रत्नागिरी का है, खाली ये ग्रेडेशन के हिसाब से माल लगा है, ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी ऐसा है, उसका साइज 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 के हिसाब से माल लगा है, साइज के हिसाब से लगा हुआ है ना। जैसे ये क्या दर्जन है, 300 रुपए दर्जन है, 400 रुपए दर्जन है, और ये 600 रुपए दर्जन है, 300, 400, 600 वाला देख सकते हो जो सबसे ज्यादा, 100 बड़ा भी है लेकिन वो अभी खत्म हुआ परसों ही। अच्छा, और इसकी पहचान कैसी होती है, मतलब कि ये जो है ओरिजिनल हापुस है यानी ये जो हापुस का ये स्लोप रहता है, थोड़ा क्लोजअप लेना जो ये स्लोप रहता है और इसमें थोड़ा टेढ़ा रह के नकीला रहता है, वो वैसा नकीला रहता है, नकीला रहता है, एकदम शार्प नहीं रहता है, शार्प रहता है वो अपना पायरी रहता है ना, पायरी उसमें वो शार्प रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी शार्पनेस वगैरह देखी जाती है, और रेड कलर भी कुछ मैटर करता है। हाँ नहीं, रेड कलर ज्यादा धूप में रहेगा वो तो रेड कलर आता है, तो रेड कलर होगा, ज्यादा खुली जगह धूप में रहेगा, स्मेल से नहीं पहचान सकते ना, स्मेल से पहचान सकते हैं, लेकिन अभी इधर क्या है सब आम है, ये आम का ही स्मेल है, तो आप खुद स्मेल लेंगे तो ऐसा पहचान नहीं आएगा, खाली आप जो उसका टेस्ट लेंगे ना तो समझ में आएगा। तो गाइस देख सकते हो कितने सारे आम की वैरायटी जो है यहाँ पर रखी हुई है, जैसे कि अभी ये देख सकते हो आप यहाँ पे पांचुरी का ये रत्नागिरी अल्फोंसो मैंगो है, और यहाँ पर देख सकते हो ये वाला एक मैंगो है यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर मैंगो की, जो कि सारे मतलब कुछ अलौकी हर जगह की जैसी प्रजाति होती है कुछ, तो उस तरीके से यहाँ पर मैंगोज है। ये दशहरी है और यहाँ पे लंगड़ा है, दशहरी है और ये लंगड़ा है ना, तो कहाँ का ये आम? ये भंडारा का है, भंडारा का है, हाँ 80 रुपए किलो है लंगड़ा, और ये वाला ये कौन सा है बोले? दशहरी, दशहरी आम, दशहरी कैसा? 80 रुपए, ये भी 80 है, हाँ तो ये भी 80 रुपए किलो है, दशहरी है देख सकते हो, अभी एकदम थोड़ा सा कड़क कड़क लग रहा है, इसको घर पे ले जाने के बाद में ये पिक जाता है। ये क्या आइटम है? ये नाचनी का है, मिलेट का एक नाचनी, इसका ये पीठ है। अच्छा, उसका और एक है मिलेट सूजी भी है, सभी मिलेट्स को मिक्स करके सूजी बनाया है, सूजी बनाया हुआ। हाँ हाँ, अच्छा तो इसको कैसे मतलब इसका कुछ बनता है या फिर इसको? हाँ, इसका मतलब अपन जैसे पेशेंट लोगों को जैसे सूजी वगैरह बनते रहने के लिए, बस उसी काम के लिए मिलेट से भी है। अच्छा, अपने पास इसमें और ज्वार की भी है और वीट की भी है। और कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है? ये हमारा सब यही नागपुर में ही सॉय है। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये वाला जो है ये विलास आनंद ठाकुर करके, यहाँ पर बेंगलुरु सिंधुदुर्ग का दोस्तों ये आम है, और ये भी हापुस ही आम है, देखते हैं अभी पूछते हैं किस तरीके से ये आम होने वाला है और कैसी यूनिक वैरायटी यहाँ पर रखी गई है। कौन सा आम? देवगढ़ हापुस, देवगढ़ हापुस, हाँ। तो वो रत्नागिरी हापुस हमने वहाँ पे देखा सामने में, हाँ। ये देवगढ़ हापुस है, दोनों में कुछ फर्क आता है? और इसका जमीन के ऊपर रहता है, वो जमीन के ऊपर, ये क्या रहता है देवगढ़ जो है ना वो कातल जमीन रहती है उसके ऊपर रहता है वो, उसके ऊपर, हाँ, और वो समुंदर के नजदीक रहता है वो। अच्छा, समुंदर के पास में होता है, हाँ। तो टेस्ट में भी टेस्ट में अलग रहता है ना, हाँ। बता सकते हो एक बार आप?
देख सकते हो साइज तो दोनों का लगभग सेम ही दिख रहा है मेरे को। साइज रहता है वो वजन के हिसाब से रहता है। वजन के हिसाब से रहता है। वैसे क्या कैसे क्या रेट होते हैं इसके? मतलब पूरा इसको पूरा पेटी बोलते हैं ना ये? एक पेटी आती है एक दर्जन का 950 रुपए। एक दर्जन का 950 रुपए रेट होता है। देख सकते हो दोस्तों ये वाला आम है जो कि सिंधुदुर्ग का ही आम है दोस्तों, समुन्दर किनारे लगता है। थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा सा फर्क है। क्या रेट होता है मतलब ये वाला? ये 600 रुपए डजन है, ये 500 रुपए डजन। ये साइज के ऊपर डिपेंड रहता है, साइज ये बड़ा है ये छोटा है। जैसे कि वो सिंधुदुर्ग वाला हापुस जो था वो 900 रुपए दर्जन बताया। अच्छा, तो मतलब उसका साइज थोड़ा बड़ा है। अच्छा, आप कहाँ के हो? प्रॉपर रत्नागिरी का। रत्नागिरी की हो? रत्नागिरी। अच्छा, तो ये पूरे पेटी आपने रत्नागिरी से लेकर? रत्नागिरी से लाया। सेल हो गया पूरा? सेल हो गया। सेल हो गया पूरा। अच्छा, आज लास्ट डे है? आज लास्ट डे। हर साल आते हैं आप यहाँ पे कि मतलब? इधर नागपुर में पहली बार आए। अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर कभी आने का प्लान रहेगा आपका? नहीं, हाँ नेक्स्ट ईयर जो ऐसा प्रोग्राम रखेगा तो रखेंगे तो आएंगे। आएंगे बिल्कुल। वैसे हम कारंजा वर्धा डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा। लेकिन ये बेचने के लिए हापुस रखा है। अपना जो मेन बिजनेस जो है वो लंगड़ा, लंगड़ा हम जो कच्चा हुए ऑर्गेनिक बेस लोगों को देना चाहते हैं। अच्छा, पका के भी ला सकते थे लेकिन नहीं दिया। अच्छा, तो दिन में पक जाएगा लंगड़ा आम भाई? ये लंगड़ा वो पेड़ है, केसर के पेड़ बेचने के लिए रखे है 2 साल के 1.5 साल के। उसके बाद में हमारा जो और आम जो है अभी फिलहाल आने का है जो खत्म हुआ कल, उसका वो है केसर। तो केसर आम भी अपने इधर का ही है, विदर्भ का है। अच्छा। अपना प्लांटेशन है नर्सरी, श्री नर्सरी प्लांटेशन कारंजा के सामने जो टोल नाका है लेफ्ट साइड पे अपना नर्सरी 8000। और उसमें सभी प्रकार के प्लांट अवेलेबल है। प्लांट करके भी देते हैं आप, ड्रिप भी करके देते हैं, सभी प्रकार का काम हम करते हैं। करके देते हैं, है ना? प्लांट्स भी लगा के देते हैं? मतलब प्लांट लगा के देते हैं, प्लांट बेचते भी। बेचते भी? हाँ, ड्रिप का भी काम करके देते हैं। ये जो आम है ये कौन सा आम है और क्या रेट पड़ रहा है? सर ये जो आम है ये हापुस आम है देवगढ़ का। देवगढ़। और इसका रेट जो है जनरली 700 रुपए डजन बेच रहे, लेकिन आज का आखिरी दिन है करके हमने एक ऑफर रख दिया 600 रुपए डजन में लेके जाओ, डिस्काउंट कर दिया। हाँ, लोगों को खाने को मिलने को ना, इसीलिए सही सही बात है। लास्ट चलो है, लास्ट डे तो फायदा होता है। मैंगो महोत्सव है तो लोगों को खाने दो। बिल्कुल, है ना? और ये आम का पेड़ जो आप बता रहे थे ये कैसे क्या होने वाला है? ये 1.5 से 2 साल का पेड़ है। ये 2 साल केशर, केशर का है, केशर मैंगो। हाँ, इसको अगर जमीन में लगाएंगे हाँ, तो डेवलप रूटीन डेवलप जल्दी होंगी। अच्छा। और इसको 1.5 से 2 साल में आम आएंगे, पहले साल कम आएंगे दूसरे साल ज्यादा आएंगे। इस प्रकार से आम बढ़ेंगे और लोगों को नेचुरली आम घर के घर खाने को मिलेंगे। 2 साल में आम आ जाएंगे? 2 साल में, क्योंकि अर्ली वेरायटी है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देख सकते हो दोस्तों आप ये बिल्कुल 2 साल में इसमें लग जाएंगे मतलब आम। तो कितने का बताया आपने रेट इसका? सर इसके जनरल रेट 600 रुपए। 600 रुपए, है ना? एक पेड़ का 600 रुपए। एक दो प्रजाति है क्या कि एक ही है? नहीं, सभी एक ही है, केसर जाति है। सारे केसर आम है ना? छोटे जो है वो 200 में है, बड़े वो 600 में है। बड़े वाले 600 में? इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे प्लांट है। दशहरी है, सदाबहार है, कटिमून है, उसके बाद में मैंगो स्टोन वगैरह वगैरह, आम्रपाली, बहुत 37 से 32 प्रकार की प्रजाति हमारे पास अवेलेबल है। और ये अपने एरिया में भी मतलब नागपुर जैसे शहर में भी अगर कोई अपने घर के सामने लगाता है तो बड़े हो जाते हैं? ये जनरली जो आम है ना, केशर बोले, दशहरी बोले, सदाबहार बोले, कटिमून, राजापुरी, तोतापुरी, ये जनरली विदर्भ की आम है, अपने इधर लग जाते हैं। केशर जो है वो कलम है गुजरात की, अपने इधर लग सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो हापुस वगैरह जो बोलते वो अपने इधर नहीं लगता, वो नहीं लगता। इसी के साथ में दोस्तों मैंगो फेस्टिवल में यहाँ पर देख सकते हो ये चीजें भी आई है। श्री स्वामी समर्थ गृह उद्योग से आप हो ना? अच्छा, मैं मोना पवार, नागपुर महाल। हमारा स्पेशल है कोल्हापुरी कांदा लसून मसाला है, सोलापुरी शेंगदाणा चटणी आहे, लसूण चटणी आहे, मराठा पाठवडी मसाला आहे, सावजी मसाला आहे, सांबार मसाला आहे, मालवणी मसाला आहे, तांबडा रस्सा मसाला आहे, पांढरा रस्सा मसाला आहे, हिरवा रस्सा मसाला आहे। और कोकण के सिंधुदुर्ग से हमारे इधर कोल्हापुरी से शरबत आता है, कोकम शरबत आता है, स्वीट कोकम आता है, कोकम आता है, लेमन जिंजर शरबत आता है, आंवला शरबत आता है। सभी प्रकार के हम हमारे इधर सब मिलते हैं एग्जीबिशन में। और जो सब है जो हम मुझे 2017 में विदर्भ इंग्लिश का अवार्ड है इन मसालों में, चटनी में, पापड़ में, इसी प्रकार चटनी सब... पापड़ वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती है। मसाले भी देख सकते हो गाइस कितने सारे मसाले हुए यहाँ पे, फ्लेवर्ड मसाले। और ये चटनी कौन से है? ये सोलापुरी शेंगदाणा चटनी है, लसुन चटनी है, फ्लैक्स सीड की चटनी है। ये सोलापुरी शेंगदाणी चटनी कैसी चटनी है, मतलब अपनी अलग क्या होता है इसमें? ये जो हम डंग पर कांटे हैं इसीलिए जो अलग है, बेड़गी मिर्च का टीका, अपना चिली पाउडर डालते हैं, अपना रेगुलर चिली पाउडर नहीं डालते इसलिए उसको अच्छा रहता है। अच्छा, तो थोड़ा फ्लेवर अलग हो जाता है।
यहाँ देख सकते हो गाइस पापड़ वगैरह, चटनी वगैरह, काफी ज्यादा चीजें हैं हमारे पास में। तो गाइस ये है अजय करू सर, जो कि अभी हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है और इसका क्या महत्व है। ये जो महोत्सव है जी, ये 16 मई से 19 मई ये 4 दिनों के लिए महोत्सव किया गया है। इसमें मैंगो, मिलेट्स और धान्य, उसको अनाज बोलते हैं अपन, उसकी बिक्री का ये महोत्सव है। कुसुमताई वानखेड़े हॉल नागपुर में ये महोत्सव भराया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो किसान हैं, ये जो प्रोड्यूस उगाते हैं, उनके माल को सही दाम मिलना चाहिए और जो कंज्यूमर है, ग्राहक है, उसको सही माल नेचुरली उगाया गया, पकाया गया, रिजनेबल रेट में मिलना चाहिए। और प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, इसके बीच में जो मिडल मैन रहता है उसको साइड में करके डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, अच्छा माल अच्छे रेट में ग्राहकों को मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से ये महोत्सव अपन ने भरा है। तो डायरेक्ट अगर लेते हैं मतलब तो रेट भी थोड़ा सा कम हो जाता है उसमें, अगर मिडल मैन आया तो उसका प्रॉफिट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बराबर। और मिडल मैन ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, या ट्रेडर भी, सभी ट्रेडर नहीं लेकिन कुछ ट्रेडर या मिडल मैन ज़्यादा प्रॉफिट के लिए उसमें कुछ प्रैक्टिसेस भी करते हैं, जैसा कि केमिकल से उसको पकाना या उसमें हापुस के नाम पे दूसरा आम मिक्स करके बेचना प्रॉफिट के लिए। तो ये चीज़ें सब अवॉइड करने के लिए और कस्टमर को या कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट रिजनेबल रेट में देने के लिए ये महोत्सव का अपन ने आयोजन किया। ये नेक्स्ट टाइम अभी जो वीडियो देख रहे हैं कुछ लोग तो वो सोचेंगे कि मतलब अगले साल भी ये रहेगा सब चीज़ें। यस यस, हमारी कोशिश है कि अगले साल कम से कम 7 दिन का फेस्टिवल हम करेंगे। okay. अभी कोकण के जो कष्टकार है, सेठकरी है, उनको तो पता चला है कि यहाँ कस्टमर बेस अच्छा है, यहाँ पे हमें उनका माल खराब ना हो इसलिए एयर कूल्ड हॉल दिया है, तो उनका माल भी खराब नहीं हुआ। तो अगले साल इससे ज़्यादा जो फार्मर्स है यहाँ आने के लिए रेडी होंगे, तो हम स्टॉल भी और बढ़ाएंगे। स्टॉल बढ़ेंगे तो थोड़ा और भी रेट रिजनेबल रेट में और वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ के कस्टमर को मिलेगा। तो यही कोशिश हमारी अगले साल रहेगी कि इस साल जो हमारा कुछ पहला साल है तो कुछ कमियाँ रही होंगी, तो उसको सब रेक्टिफाई करके इससे भी अच्छा और बेटर करें, इससे अच्छा हम करेंगे। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर ये मैंगो फेस्टिवल चल रहा है और आज ये लास्ट डे है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करके रखिए इस पेज को, ऐसे कमाल कमाल के वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहेंगे भाई। तो बाकी मैंगो की प्रजातियां मैंने आपको बता दिया, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए जल्द मिलते हो अगले वीडियो में आपको। जय हिंद।